नैनीताल अपनी नैनी झील के लिए काफी प्रसिद्ध है। देश विदेश से पर्यटक इस सुंदर सी झील की एक झलक देखने के लिए जरूर आते हैं। इस झील को और करीब से देखने के लिए पर्यटक यहाँ नाव की सवारी भी करते हैं, लेकिन अब इस सवारी के लिए इन पर्यटकों को अब दोगुने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नैनीताल नाव चालक समिति और नगर पालिका की सहमति से इसका फैसला लिया गया है। बीते सोमवार यानी 26 सितंबर को लगभग 8 महीने के बाद नगर पालिका बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नाव के किराए को लेकर भी चर्चा की गई। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2013 में आखिरी बार नाव का किराया बढ़ाया गया था। साल 2018 में भी नाव की सवारी का किराया बढ़ाया जाना था, लेकिन विरोध के चलते नहीं बढ़ पाया था। नैनी झील में अलग अलग तरह की नाव चलती हैं। यहाँ यॉट, पैडल बोट और पारंपरिक रोइंग बोट देखने को मिल जाएंगी। वर्तमान में नैनीताल झील में कुल 312 नाव देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल तो नाव के पूरे चक्कर के लिए 210 रुपए देने होते हैं और वहीं आधे चक्कर के लिए 160 रुपए किराया है। हालांकि अब पर्यटकों को इसके ठीक दोगुने पैसे नाव की सवारी के लिए खर्च करने होंगे। जहां एक तरफ आधे चक्कर के लिए 320 रुपए किराया होगा, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे चक्कर का किराया 420 रुपए होने वाला है। नाव चालक समिति के अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट ने बताया कि पिछले कई समय से नाव के रेट बढ़ाने को लेकर कवायद चल रही थी। नगर पालिका के साथ मिलकर हाल ही में बोर्ड मीटिंग में किराए बढ़ाए जाने को लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में ये रेट लागू कर दिए जाएंगे। नए रेट जो तय हुए हैं, परसों नगर पालिका परिषद में मीटिंग हुई थी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ है। तो जो हमारा हाफ राउंड 160 रुपये का लगा करता था, वो 320 रुपये का हो गया, और फुल राउंड जो होता था हमारा 210 का होता था, उसका 420 कर दिया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा। ये बहुत इस समय तक दो बार रेट बढ़ जाना था, इसलिए 9 साल तक ये रेट नहीं बढ़ पाया, जबकि 5 साल का हमारा नगर पालिका में बायलो बना हुआ है रेट बढ़ाने का। तो 9 साल तक इन्होंने कोई कारणवश नहीं बढ़ा पाए, कहीं कभी कुछ आपत्ति आ गई, कभी लॉकडाउन हो गया, इस चक्कर में नहीं बढ़ा पाए, तब इकट्ठा ये रेट बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज 18 लोकल के लिए।